हेलो गाइस, आई होप सो यू ऑल आर अमेजिंग, फिट एंड फाइन। वैसे उठ तो मैं बहुत तो एक घंटा पहले ही गया था, बस ये एक्टिंग करी जैसे आप लोगों को दिखा सकूं कि व्लॉग शायद ऐसे स्टार्ट होते हैं। तो कैसी लगी मेरी एक्टिंग, प्लीज़ रेट इन कमेंट। और ये चीज़ मैं आपको और बताना चाहता था कि आप अगर सुबह उठते हो तो प्लीज़ अपनी बेडशीट और जो भी होता है उसको जो है थोड़ा मैनेज कर दे करो। सो आज मेरा ये ब्लॉग स्टार्ट करने का कोई ऐसा मेन मोटिव नहीं है कि आज मुझे कुछ करना है, बस ये है कि अभी एज वी ऑल नो लॉकडाउन चल रहा है, कर्फ्यू चल रहा है बाहर। सो मैं घर में क्या करता हूँ थोड़ा बहुत आपको बताऊँगा। आई होप सो आप लोगों को पसंद आएगा और थोड़ा सा व्लॉगिंग पे भी फोकस करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज अभी मेरे पास कुछ नहीं है। तो व्लॉगिंग करके आप लोगों को थोड़ा इंटरटेन करने की कोशिश करूँगा और जो हो सके वो बताने की कोशिश करूँगा, जो भी थोड़ा बहुत इंटरटेनिंग हो रहा है मेरे साथ में या हुआ तो वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। और एंड आई होप सो आपको व्लॉग पसंद आएगा। सो देखते रहो आगे और मुझे भी नहीं पता आज क्या करने वालों में। तो अभी चल रहा ना हमारे घर के अंदर थोड़ा सा, थोड़े से मेरे जो दादा दादी हैं उनको थोड़ा सा फीवर है और थोड़ी सी वीकनेस है। और अभी मैंने थोड़े से चावल बनाए, मुझे चावल बनाने आते हैं इसलिए मैंने थोड़े से चावल ही बनाए। सो अभी गाइस क्या है ना, कुछ दिनों से एस बी ऑल नो कि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी पिछले कुछ हफ्तों से। तो मैंने ना कुछ रीड करा था ना कुछ मैंने शूट करा था, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ रेस्ट कर रहा था और टू बी प्रिसाइज अनप्रोडक्टिव चीज़ें मैं कर रहा था। बट अब क्योंकि मैं ठीक हो चुका हूँ, पूरी तरीके से हील चुका हूँ, तो अब मैंने सोचा कि अब मैं वापस अपनी लाइफ को थोड़ा पेस पे लाता हूँ और जो जो भी करता था लाइक रीडिंग हो गया, लाइक दो तीन शूट्स हो गए और ऑफ कोर्स वर्कआउट्स हो गए, तो प्रोडक्टिविटी के नाम पे मैं सिर्फ अभी एक्सरसाइज कर रहा था और कुछ नहीं, थोड़ी सी रीडिंग भी करी थी मैंने। और अब मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा पेस पे ला रहा हूँ, वापस से अपने जो वर्क्स थे, वापस से अपने जो काम थे उनको वापस से थोड़ा सा शुरू करते हैं। लाइक आज मैंने टास्क रखे अपने लिए, खुद के लिए। तो मेरा जो फर्स्ट टास्क है ऑफकोर्स मैं वर्कआउट करूँगा, उसके बाद में मुझे नहाना है, देन मुझे दो वीडियो शूट करने हैं। और वो वीडियोस क्या होंगे वो आपको जब आएंगे वो शायद आ गए होंगे, या मुझे पता नहीं आए होंगे इस टाइम तक या नहीं आए होंगे, बट वो वीडियो शूट करने हैं। एंड मुझे बुक पढ़नी है, हाँ ये टास्क है मेरा आज का और ये मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ तहे दिल से। तो अभी मेरा जो फर्स्ट टास्क है वो वर्कआउट करना है, तो अभी मैं वर्कआउट करने जाऊँगा और होम वर्कआउट करता हूँ। ज़्यादा ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं जिम में जा रहा हूँ। और ये जहाँ तक बात आती है होम वर्कआउट्स की, आप होम वर्कआउट कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एक डंबल चाहिए या फिर आपको एक रॉड चाहिए या फिर आपको सारे इक्विपमेंट्स चाहिए। आप घर पे आराम से होम वर्कआउट कर सकते हो, आप अपने टेरेस पे जा सकते हो, वहाँ पर आप रनिंग कर सकते हो, आप स्किपिंग कर सकते हो। अगर आपका भाई बहन या आपका पार्टनर आपके साथ रहता है तो आप उनके साथ में एक्सरसाइज कर सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस विद पार्टनर्स, यू नो मैं अपने भाई के साथ करने की कोशिश करता हूँ पर वो करता नहीं, बट कोई बात नहीं, मेरे पास थोड़े से डंबल्स और थोड़े से रॉड रखे हुए तो मैं इससे एक्सरसाइज करता हूँ। बाकी अगर आप प्लीज़ थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले करो, अपने टेरेस पे घूम ले करो, टेनिस खेल ले करो अपने घर के बाहर ही, आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे पुलिस आकर आपको डंडे मारेगी। तो थोड़ा सा अपना जो बॉडी है उसको मूव करते रहे करो, यू नो अदरवाइज़ ये बॉडी भी एक मशीन की तरह होती है। मेरी दादी कहती हैं कि मशीन में अगर आप उसको काम करना बंद कर दोगे तो ऑफकोर्स वो जंग खा करके काम करना बिल्कुल बंद कर देगी। तो उसको चलाते रहे करो, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहे करो, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो। भैया एक वॉलिंग स्प्रे है क्या, छोटा वाला चाहिए? काफ़ी सारा टाइम निकल चुका है और मैंने अभी तक एक्सरसाइज नहीं करी, बिकॉज मैं पहले मेडिकल गया था वॉलिनी स्प्रे लाने के लिए और फिर मैं थोड़ा सा मेरे पापा के पास बैठ गया क्योंकि वो गाना गा रहे थे। सो अब जाकर के अराउंड 11:30 हो चुका है, अब मैं एक्सरसाइज करूँगा और एक्सरसाइज के बाद मिलता हूँ। थोड़े बहुत क्लिप्स डाल दूँगा एक्सरसाइज के, अगर अच्छे लगे, थोड़ी मसल दिखती है कहीं मेरी तो डाल दूँगा। ओए What's up?
upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. ओके सो वर्कआउट ख़त्म हो चुका है, कुछ वन एंड हाफ आवर्स का वर्कआउट करा, मज़ा आ गया आज तो, क्योंकि मैं ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट नहीं करता हूँ गाइस, मैं वर्कआउट के अलावा ही बहुत कुछ करता हूँ, बिकॉज वेट उठाना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है और बहुत बोरिंग लगता है मुझे वेट उठाना, बट फॉर दिस वी हैव टू डू दिस। उठाना एक कोट कि जो आपको अच्छा लगता है उसे पाने के लिए आपको वो भी करना पड़ता है जो आपको अच्छा नहीं लगता। सो इट डजेंट मीन कि मैं मुझे एक्सरसाइज करना पसंद नहीं, मुझे अच्छा लगता है बस, पर वो है ना एक ही चीज़ करते करते इट्स रिडंडेंट, तो थोड़ा बोर हो जाता हूँ, तो मैं साथ साथ डांस भी करता रहता हूँ। डांस कोई अच्छा खासा नहीं, जो मन करे वैसा, थोड़ा वो शायद आपको दिखाया होगा मैंने, तो इन्जॉय करके अगर अपन करें किसी चीज़ को तो आई थिंक वो और अच्छी हो जाती है। भाई मैं बहुत ज़्यादा हक रहा हूँ बिकॉज अभी जस्ट ख़त्म करके आया हूँ। मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं करते हो तो कर ले करो, थोड़ा सा माइंड को अच्छा लगता है, बॉडी को अच्छा लगता है और ऑफ कोर्स खुद को अच्छा लगता है। तो और अभी शाम को शायद मेरा एक दोस्त आएगा, किसी काम से मिलने नहीं आता, तो मैं उससे भी आपको मिलाऊंगा, वो इकलौता बचा है फिलहाल हमारी गैंग में आपको बताने के लिए, तो वो आता है तो मैं आपको उससे मिलाता हूँ। फिलहाल तो मैं थोड़ा सा भी रिलैक्स करूँगा बिकॉज जस्ट मैं नहा नहीं सकता, थक गया आज, पर मज़े है बहुत ज़्यादा। मैं शायद एक डांस और कर सकता हूँ अभी, भी बहुत सारा टाइम निकल चुका है और मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी थी, पता है मैं कुछ समय के लिए तो भूल भी गया था कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। वैसे अभी मैं वो काम कर रहा हूँ जो आई थिंक इंडिया के अंदर, ज़्यादातर इंडिया के अंदर मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर हर नौजवान लड़का जो होता है वो करता है, उसका एकमात्र फ़र्ज़ होता है ये फैमिली के प्रति, बहुत बड़ा फ़र्ज़ होता है ये फैमिली के प्रति। और मतलब अगर आप घर के मतलब मेरे जैसे टीनेजर हो या घर के बच्चे हो तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है और आपको ये करना होता है। कूलर में पानी भरना, कूलर में पानी भरना, बॉटलें भरना और ये सारे काम जो होते हैं ये घर के बच्चों के होते हैं। ज़्यादा बढ़िया चालू करना है बंद करना। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस जो मैं बता रहा था आपको कि एक दोस्त आने वाला था मिलने के लिए, वो आ चुका है। चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही 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 हंस देले, ही 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 हंस देले, ही 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 हंस देले रिंकिया के पापा। एक बार डाल दूंगा मैं एक वीडियो, ऑडियो सॉरी। और तो कैसे हैं आप लोग? ये है जॉयल जेसन और बहुत इसको टाइम बाद इंट्रोडक्शन हुआ अपना। मैं मेरा बहुत मन था, मैं मतलब बहुत चाहता था कि मैं इसको जल्दी से इंट्रोड्यूस करूं, पर वो ये कभी मौका दस्तूर नहीं मिल रहा था, आज मिल गया। वैसे ऐसे कोई मिलने नहीं आया कि टाइम पर म्यूजिक आना चाहिए, म्यूजिक आना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप देखना वीडियो में देखना बिल्कुल। और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हाँ हमने अभी एक छोटा सा वो दिया है कि अपन साथ में मतलब एक क्या कह सकते हैं अपन उसको
साथ में बहुत चैलेंज टाइप कह सकते हैं, चैलेंज तो नहीं कहेंगे वैसे, साथ में देखने का हमने सोचा है पीकी ब्लाइंडर्स, पीकी ब्लाइंडर्स अगर आप लोगों ने देखी तो बताना जरूर कमेंट्स में कैसी है, और जिसको मतलब अपनी पर्सनालिटी बहुत मतलब बढ़ानी है, अच्छी करनी है, उसके लिए बहुत अच्छी, थॉमस शेल्बी नाम है ना उसका, थॉमस शेल्बी कैरेक्टर का नाम, तो बहुत वैसे बहुत वो है तो देखी होगी हमारे लगवा दी इन लोगों ने अभी 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 मतलब इसकी मम्मी के सामने से मास्क उतार रखा था इंट्रोडक्शन कंटेंट बनवाने के लिए मास्क उतरवाया और उसके बाद तो उसकी मम्मी ने मैं मास्क नहीं पहनता इसकी मम्मी ने इसकी वाट लगा दी भाई यार मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ अभी रिकॉर्ड कर लेता ना मजा आ जाते किस्मत भी हमारे साथ देती कभी कभी ऐसी बात नहीं नहीं पर कैमरा तो हमारा ही था ना अभी कर लेंगे अभी रुको तुम अभी तो शुरुआत है अभी तो दिखे हो तुम अभी तो कोई नहीं अभी दिखे हो तो बहुत लंबा जाना अभी तो बहुत लंबा जाना अभी तो ये 126K पहुंच जाएंगे ना जब बहुत आगे यार अभी तो मतलब चलो ठीक है अभी देती अच्छा आज है ना मौसम बड़ा बेकार सा बारिश नहीं ह्यूमिडिटी हां बारिश हो जाती तो बढ़िया होता बहुत नज़ारा तो दिखा यार लोगों को अरे हां वो देखो तारागढ़ है गाइस जो आपको शायद थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा वो तारागढ़ है वो हल्का सा शायद आपको वो भी दिख रहा होगा क्या बोलते हैं उसको वो क्या है वो अरे नहीं वो पिलर है ना वहाँ पे अरे टावर 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 सॉरी लैक ऑफ वोकैबुलरी घर का ब्लॉग बनाया मैंने आज आई होप सो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो हम लोग पास पास में रहते हैं हाँ इसका घर बहुत पास में मेरे मतलब तीन घर छोड़ के ही मेरा तीन घर छोड़ के ही पास मैं अभी तक आया नहीं ब्लॉग में देखो तो हीरो बनने का वो शौक था ना अभी चांस मिल रहा है तो लेता क्यों नहीं है अरे यही तो हमारी खूबी है बाद में आते हैं दे रहा है दुरुस्त दे रहा है दुरुस्त बेस्ट पार्ट फॉर द लास्ट या बेस्ट पार्ट फॉर द लास्ट नाइस बहुत मतलब खुद की जो तारीफ करने की जो वो एबिलिटी होती है ना बहुत है इसके अंदर मतलब आप इसकी तारीफ मत करो ये खुद की कर लेता है नहीं मतलब एरोगेंस नहीं है बट यू नो लोग करते नहीं है ना लोग करते नहीं है ना टेंडेंसी है टेंडेंसी है इसकी लोग करते नहीं है तो करना पड़ता है टेंडेंसी है इसकी तो नहीं हम तो बेइज्जती करते हैं हां तारीफ खुद की कमी पूरी करनी पड़ती है ना वो कंपनसेट दबाव बना रहना चाहिए दबाव बराबर बराबर रहना चाहिए तो आप लोगों ने इसका जो लास्ट लाइव था अगर वो देखा होगा तो आप इसको पहचान जाएंगे वैसे एडिटर भी चिंता मत करो एडिटिंग भी मेरे पास ही है शूटिंग भी मेरे पास ही है चिंता करने की जरूरत ही नहीं है यार आज मेरा शोल्डर मार रहा है मेरा हाथ दुख रहा है ओके भाई सर्विस कराऊंगा इसकी फर्स्ट थिंग फर्स्ट आप लोगों को बताना चाहता हूँ बन चुका है जो मुझे दूसरा वीडियो बनाना था गर्मियों का एकमात्र फ़ायदा यही है कि ना जो लाइट है वो थोड़ी देर तक रहती है और गर्मियों में सिर्फ यही चीज़ अच्छी लगती है मुझे और कुछ नहीं बाकी आई लव विंटर्स मुझे सर्दियों से बेइंतहा मोहब्बत है तो अभी अपना जो टास्क है मैंने सुबह से कम 5 टास्क रखे थे तो अभी मैं सिर्फ रीडिंग करूँगा और फिर खाना वाना खाऊँगा और फिर सो जाऊँगा या फिर थोड़ा सा गेम खेलता हूँ दोस्तों के साथ में बस यही रहेगा फ़िलहाल के लिए तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा अभी व्लॉग कंप्लीट करते हैं अपने यहाँ पर तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को यहाँ पे भी सपोर्ट करो और अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा आपको ऐसे डेली व्लॉग्स पसंद है तो मुझे बताना मैं ज़रूर और बनाऊँगा अगर पसंद है तो यू नो कमेंट्स में ज़रूर बताना थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट फॉर ऑल द लव स्टे सेफ स्टे होम स्टे विथ योर फैमिली आसपास वालों को सेफ रखो और ऑलवेज इन लव विथ यू ऑल योर लव क्वेश्चन